आज सुबह तक 53 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक कांस्टेबल रतनलाल और एक आईबी ऑफिसर श्री अंकित शर्मा भी थे। मैं इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 38 से अधिक लापता है, जिसमें 7 माइनर हैं। 92 घर, 97 दुकानें, 57 दुकानें, 500 गाड़ियां, 6 गोदाम, 2 स्कूल, 4 फैक्ट्रियां और 4 प्रार्थना घरों को खाक के सुपुर्द कर दिया गया है। मान्यवर, इसी सदन से 10 किलोमीटर की दूरी पर इन दंगों को 3 दिन तक अंजाम दिया गया, ठीक उसी समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश का दौरा कर रहे थे। राजनीतिक रूप से इस घटना को लेकर के हम भड़काऊ भाषणों पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना यह किसकी जिम्मेदारी है? प्रश्न उठता है कि अगर हमारी दिल्ली को, हमारे बच्चों को और हम लोगों को दिल्ली के अंदर कौन सुरक्षित रखेगा? मान्यवर, 3 दिन तक गृह मंत्रालय 3 दिन तक मीटिंगें करता रहा दिल्ली पुलिस के साथ और दंगे चलते रहे। यह स्थिति सीधे सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। मैं विभूति नारायण राय, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, 2008 में उन्होंने एक बात कही थी, मैं उसे आज याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कोई भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा बिना सत्ता की सहमति के नहीं चल सकता। मान्यवर, अब देखना है कि इस घटना में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका रही है। 24 से 27 फरवरी तक 13,000 डिस्ट्रेस कॉल्स दिल्ली पुलिस के पास आई और दिल्ली पुलिस तभी भी समय पर सक्रिय नहीं हो पाई। तमाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता का खुलासा किया है। 7 पुलिसकर्मी रायट गियर पहन करके 5 युवाओं को लाठी पीट पीट कर बेरहमी से उन्होंने राष्ट्रगान गवाने का काम किया है। तमाम वीडियो निकलने का काम हुआ है, जिसमें और इन 5 लोगों में से एक पैजान की मौत भी हो गई है। मान्यवर, और भी वीडियो आए हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरा को तोड़ते हुए पुलिस देखी गई है। तमाम और वीडियो आए हैं जिसमें पत्थरबाजों के साथ मिलकर के पुलिस ने पत्थरबाजी की है। क्या पुलिस कर्मियों के इस दुस्साहस पर कोई कार्रवाई हुई है? इन लोगों के साथ अभी तक क्या कार्रवाई है, यह प्रश्न उठता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी ने, आदरणीय अजीत डोभाल जी ने, हरियाणा में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलिस कानून का क्रियान्वयन करती है और जब पुलिस इस दायित्व से विफल होती है, जब पुलिस कानून के क्रियान्वयन के दायित्व में विफल होती है तो लोकतंत्र मरता है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि पुलिस को न केवल निष्पक्ष और विश्वसनीय दिखना चाहिए, न केवल निष्पक्ष और विश्वसनीय होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष और विश्वसनीय दिखना भी चाहिए। मान्यवर, क्या आज आदरणीय अजीत डोभाल जी अपनी बात, एक फ्लैग मार्च उन्होंने किया, लेकिन क्या उनको यह बात याद आई कि वही दिल्ली पुलिस आज ना निष्पक्ष दिखी और ना विश्वसनीय दिखी? यह गंभीरता का मुद्दा है। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं मान्यवर कि इस पूरी घटना से 2 बातें उभर के आती हैं। मान्यवर, एक, यदि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार द्वारा संचालित है तो सीधी सी बात है, यह घटना एक नरसंहार है। और यदि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है मान्यवर, तो यह पूरी तरह से अराजकता है, यह पूरी तरह से अनार्की है। दोनों ही रूप में सरकार की पोल खुल गई है। सरकार इस देश को विभाजनकारी राजनीति में ढकेलती चली जा रही है और इस विभाजनकारी राजनीति की वजह से मान्यवर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। 2 मिनट और लूंगा मान्यवर, जल्दी। दिल्ली चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन दंगों से बताया है। मान्यवर, ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के बजट से 2 गुना ज्यादा है। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, ये नुकसान सिर्फ नालों में बहती हुई लाशों की संख्या से नहीं तोला जा सकता। ये नुकसान जीटीबी अस्पताल में तड़पते हुए घायलों की तादाद से नहीं आंका जा सकता। मान्यवर, ये नुकसान, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं मान्यवर, ये नुकसान उन जलती हुई सुई धागों की मशीनों पर है जिन पे एक मेहनतकश बैठ करके अपनी रोजी रोटी कमाता था।
ये नुकसान उन जलती हुई किताबों का है जिसकी उम्मीद पे बेटी को बचाया था, बेटी को पढ़ाने का काम किया था। ये नुकसान उन रिश्तों का है जो सन 1947 के विभाजन के बाद और सन 1948 के सन 1984 के दंगों के बाद बनाए गए थे। मानवर, मैं बहुत लंबी बातें न करते हुए जरूर कहूंगा कि आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और वहीं हक की लड़ाई लड़ने वाले इन लोगों को सरकार गोली मारने के नारे बताने का काम करती है। मान्यवर, ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग इन कार्यकर्ताओं को और इन नेताओं के ऊपर जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, एक मिनट मान्यवर, जब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये माना जाएगा कि भारत के संवैधानिक मूल्यों का अपमान हो रहा है। मान्यवर, अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगा। हमारी मांग ये है कि सरकार इसकी न्यायिक जांच कराए, इन दंगों की न्यायिक जांच कराए और इन दंगों से जुड़े हुए द्वेषपूर्ण भाषणों की भी निष्पक्ष न्यायिक जांच कराए और ये जांच एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में होनी चाहिए। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।